जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। यदि आपका भी सपना है पॉलिटेक्निक के बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना, तो आज ही डिस्क्रिप्शन या फिर प्ले स्टोर से स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने सेमेस्टर और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपके कोर्स हैं उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि परीक्षा से पहले आपकी विशेष और बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा सके। और यहाँ पे आपको वीडियोस के साथ साथ बुक पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक्स, मॉडल पेपर, इतना ही नहीं आपको वीकली टेस्ट के, यानी जो आपको एक वीक में पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट, दिस इज अंकित। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट यूपी से स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, उनको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने की बीटीयूपी से बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। देखिए, कोई मजाकबाजी नहीं चल रही है, बिल्कुल ऑफिशियल और जेन्युइन न्यूज़ आपको मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि बिल्कुल। और मैं इस अपडेट के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा विवेक सर का, जिन्होंने सबसे पहले इस अपडेट को प्रोवाइड कराया है। ठीक है, थैंक यू विवेक सर। और चलिए अब यहां पे पहले अपडेट देखिए कि यह 21 तारीख को आई है बीटी यूपी से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देखिए, आप कहेंगे कि बैक डेट में क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो बीटी यूपी से नोटिस आती है कोई ऑफिशियल साइट पे जल्दी नहीं आती है। जो ज्यादातर नोटिस होती है वह सभी नोटिसें ईमेल के माध्यम से आती है, इसलिए आने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बट कोई बात नहीं। लगभग आज 23 तारीख है और इसी के आसपास से आपको 25 तारीख को जाना है। हालांकि और भी अपडेट आ रही है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अभी पहले बीटी यूपी से समझिए क्या अपडेट आई है और आपको क्या करना है, ये सब समझिएगा। विषय में देखिए, लिया गया दिनांक 25/12/2021 को लखनऊ स्थित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इकाना से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के संबंध में यह नोटिस जारी की गई है बीटीयूपी से। देख सकते हैं महोदय, कहा जा रहा है उपरोक्त विषय से संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि दिनांक 25/12/2021 को जनपद लखनऊ में स्थित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आपका, ठीक है, आपके संस्थान के छात्रों को या फिर कह लीजिए लाभार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया जाना है। आपके संस्थान से चयनित जो भी सेलेक्टेड छात्राएं हैं, ठीक है, चिन्हित छात्र और छात्राओं को लाभार्थी की सूची अपने जनपद के अधिकारी कार्यालय से तत्काल प्राप्त करके लाभार्थियों को वितरण समारोह के संबंध में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। तो देख सकते हैं कि आपकी लिस्ट कहां से मिलेगी। सबसे पहले देखिए मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि आप सभी के कॉलेज से कौन कौन जा रहा है, तो वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया सर हमारे कॉलेज से ये जा रहा है, हमारे कॉलेज से ये जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो लड़कियों में बहुत ही कम गर्ल्स जा रही है, क्योंकि बात है दूर जाने की प्रॉब्लम से, क्योंकि जो मतलब लखनऊ से बहुत ज़्यादा दूर पे हो उनका आना पॉसिबल नहीं थी, ज़्यादातर लड़कों को भेजे जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, टैबलेट और स्मार्टफोन सबको मिलेंगे आने वाले दिनों में। पहले यहाँ समझिए कि कहाँ से आपको मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे आपको, जिलाधिकारी कार्यालय से तत्काल आपके वहाँ से सूची मिलेगी, यह काम कॉलेज वाले करेंगे और वहाँ से आप सभी को बताया जाएगा यदि आपका नाम होगा। इस संबंध में देखिए क्या कहा जा रहा है, कि इसमें यही कहा जा रहा है कि इस संबंध में आपके संस्थानों से लाभार्थियों को स्टेडियम तक लाने, ठीक है, लाने और कार्यक्रम से पूर्व टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने की उनकी, ठीक है, डिवाइस मैपिंग कराने, ठीक है, मैपिंग कराने एवं कोष्टकों में बैठे छात्र या फिर कह लीजिए लाभार्थियों को वितरित कराने एवं कार्यक्रम में समाप्ति के उपरांत, ठीक है, जब समाप्त हो जाएगा कार्यक्रम उसके बाद उक्त जो भी लाभार्थी या कह लीजिए छात्र छात्राएँ आई थी उनको उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने का दायित्व, ठीक है, आपका एवं आपकी टीम का होगा। अभी देखिए इसके लिए मैं बात अभी बताऊंगा कुछ स्पेशल बातें, पहले बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि कृपया मानकों और सुरक्षा के दृष्टिगत से देखते हुए छात्रों या कह लीजिए लाभार्थियों को स्टेडियम तक लाने व कार्यक्रम के उपरांत ले जाने का आवागमन, पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल तक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की यहाँ पे व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। भौदी में यहाँ सिग्नेचर वगैरह सचिव का है, ठीक है। तो ये चीज़ रही आपकी अपडेट। अब देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ज़्यादातर जो कॉलेज वाले हैं वो अपने मतलब कॉलेज वाले बस खुद लेके जा रहे हैं और हर जिले से 200 स्टूडेंट के करीब जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपडेट रही है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो आपके मतलब जाने वाले हैं बच्चे ना, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज वाले बस लेके जाएंगे या फिर कॉलेज वाले खुद ऑर्गेनाइज करेंगे इस चीज़ को ले जाने के लिए। हालांकि हो सकता है अभी एक दो दिन का समय तो है, एक दिन का, कल का, हो सकता है इसमें कोई अपडेट आ जाए कि कुछ सरकारी बसें वहाँ तक भेजी जाएँ पूरी डायरेक्ट लखनऊ, तो हो सकता है मतलब कि 200 बच्चे हर जिले से जाना और सिर्फ 3-4 सरकारी बस लगेंगी और उतने में सभी बच्चे पहुँच जाएंगे। तो ये रही है फाइनल अपडेट और आप लोग से फिर यही कहना चाहूँगा, हो सकता
सकता है कल भर आपकी लिस्ट ना आई हो, आज आई हो, तो आपको वहाँ पर जाना होगा। तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो थोड़े अपने से सतर्क वगैरह होकर जाइएगा, ठंडी का माहौल भी है तो अपने से सब कुछ देखते हुए जाइए, क्योंकि रात वगैरह हो जाएगी भाई आपको ठंड वगैरह लग सकती है और हेल्थ खराब हो गई तो दिक्कत पड़ सकते हो। इस वजह से टैबलेट के चक्कर में अपनी हेल्थ मत गंवा बैठना। तो सब कुछ को देखते हुए आप सभी लोग जाएंगे और टैबलेट लेके आइए और देखिए कि किस तरीके के टैबलेट मिलते हैं या फिर स्मार्टफोन आपको कौन से मिलते हैं और क्या एक्सपीरियंस रहता है वो हमारे मतलब मिलने के बाद आप जो लोग जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी देखिए यह BTUP का ऑफिशियल अपडेट थी, क्योंकि कहीं आपको ऐसी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी अपडेट। बाकी हम यही कहना चाहेंगे कि इस अपडेट को हमारे टेलीग्राम के थ्रू आप पा सकते हैं। आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, मतलब हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा ये अपडेट, ठीक है। बाकी यही कहना चाहेंगे, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो यार, कोर्स अगर नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।